नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जानेंगे आज ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में। इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को देख चुके थे। ट्रांसफार्मर कई प्रकार से बांटा गया है, कई टाइप्स में बांटा गया है, वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट के आधार पर, फेजों के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, क्षमता के आधार पर। इन सभी के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में। तो अगर इसके पहले आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और इन वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आप शुरू क्लास में ही क्लास वन में ही जान गए थे कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। तो अगर कोई ये ट्रांसफार्मर है, अगर कोई ये आदर्श ट्रांसफार्मर है, इधर ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिधर हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी साइड जिधर हम लोग लोड जोड़ते हैं, जिधर लोड जोड़ते हैं उधर सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो एक तरफ हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी तरफ हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। अब क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यानी कि इधर जो इधर मान लेते हैं कि P जो सप्लाई जो है, जितना पावर सप्लाई में मिल रहा है इधर आउटपुट मिलेगा, इधर P वो मिलेगा, ये आउटपुट। ठीक है, या इनपुट कर देते हैं, या P इनपुट और यही इधर से जाएगा, ये उसको ट्रांसफर कर देगा P आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर में जो है लॉस बहुत ही कम होता है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें पावर लॉस नगण्य के बराबर होता है, तो हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर को लेके चलते हैं। तो पावर क्या होगा, जितना इधर पावर है प्राइमरी में, जितना इनपुट पावर दे रहे हैं उतना ही आउटपुट पावर होगा, पावर में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहां आदर्श ट्रांसफार्मर है इसलिए पी आई बराबर हो जाएगा पी ओ, पी आउटपुट। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि पी यानी कि पावर, पी बराबर होता है वी इनटू आई, वोल्टेज गुने करंट वी क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, जिसको वी आई कहते हैं। अब पी आई है तो इधर बी इनपुट बी आई और आई आई कर सकते हैं। इधर जो पावर हुआ उसी को हम लोग बी टू नहीं कर करके बी आउटपुट कहेंगे, बी आउटपुट और आई आउटपुट। ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं इधर बी वन और इधर आई वन, वी टू और आई। याद रखने में सहूलियत हो इसलिए वी वन आई वन और वी टू आई टू कर दिए, यानी यही चीज है, इधर वी वन हो गया, इधर जो गया वो वी टू। अब देखिए इसी को हम लोग यहां कर सकते हैं वी वन बटे वी टू दिख रहा है बराबर आई टू बटे आई वन। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये जो हो गया यही ट्रांसफार्मर रेशियो है जिसको इतना बराबर बोल देते हैं, के बोल देते हैं। और जो बाइंडिंग की संख्या है, बाइंडिंग की संख्या अगर इधर ज्यादा रहेगी तो वोल्टेज इधर ज्यादा रहेगी, इधर अगर कम है टर्न की संख्या तो इधर कम वोल्टेज होगी। यानी कि जो वोल्टेज है उसी के
रेशियो में उसका टर्न होता है, इसलिए हम लोग N1 बटे N2 भी कर सकते। तो जो ट्रांसफार्मर रेशियो होगा वो ट्रांसफार्मर रेशियो हो जाएगा आपका V1 बटे V2, उसी के अनुपात में जो टर्न का रेशियो रहता है उसी के अनुपात में होता है। इधर लिख लेंगे हम लोग N1 बटे N2, लेकिन करंट क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए करंट उल्टा हो जाता है, यानी I2 बटे I1। यही जो है जो फॉर्मूला है यही ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाता है। इसी ट्रांसफार्मर रेशियो से बहुत प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। अभी हम लोग एक सवाल को देखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले। इसी में एक सवाल हम लोग बनाएंगे। सवाल क्या है, सवाल हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, यह दिया जाएगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर का जो पावर है, पावर हम लोग कुछ भी मान लेते हैं 22 kV, मान लेते हैं किसी ट्रांसफार्मर का 22 kVA, ठीक है, और ये पावर है, और जो इनपुट वोल्टेज है V1 जो है V1 कितना है, V1 मान लेते हैं ये 11,000 वोल्ट हो। यहां N1 दे दिया गया है 1000 टन, और N2 दे दिया गया है 100 टन। तो आपको ज्ञात करना है कि जो है V2 क्या होगा, I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। तो इन फॉर्मूले के मदद से, यहां जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इन फॉर्मूले के मदद से इन सभी का मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मूला की मदद से आप पूरे न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से बना सकते। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहां से अगर हम लोग के पास V1 दिया हुआ है और N1 और N2 दिया हुआ है, तो हम लोग V2 आराम से निकाल सकते हैं यहां वाले फॉर्मूले को पढ़ करके। यहां N1 और N2 का रेशियो कितना होगा, 10 का रेशियो हो गया, तो हम लोग यहां बिठा देंगे। देखिए यहां हम लोग बिठाते हैं, V1 कितना हो गया, V1 हो गया 11,000 बटे V2 हमको निकालना है, तो हम लोग लिख दिए V2 बराबर जो N1 है, N1 1000 रखते बटे जो N2 है वो 100 है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये कट गया, यानी कि जो V2 हो गया तो कितना हो गया 1100 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 1100 वोल्ट हो गया। अब हम लोग I1 भी निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है VI, P बराबर कितना होता है VI, तो पावर कितना है 22 kVA, ठीक है, तो हम लोग 11 kVA से इसको 22 kVA को भाग देंगे तो निकल जाएगा, यहाँ P बराबर VI होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटे V हो जाएगा। P कितना है 22,000 किलो वोल्ट एम्पीयर, और फिर 11,000 इसका V1, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी I1 बराबर हो गया 2 एम्पीयर। उसी प्रकार से I2 आप निकाल सकते हैं, I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, N1 बटे N2,
आई टू बटे आई वन बटे एन टू, आई टू बटे आई वन, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं ये वाला आई टू, तो आई टू के लिए क्या करना पड़ेगा, एन वन गुणे, जैसे इसको उल्टा कर देंगे यहां से, तो आई वन हो जाएगा, आई वन बराबर आई टू गुणे एन टू बटे एन वन। तो आई टू, आई टू निकालना है तो आई वन तो निकल गया, तो आई टू यहां टू करेंगे तो यहां क्या हो गया, गलती हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। हम लोग को आई वन निकल गया, अब हम लोग को आई टू निकालना है, तो आई टू निकालने के लिए एन वन गुणे आई वन बटे एन टू, तो आई वन बटे आई वन एन वन बटे एन टू, एन वन बटे एन टू का मान निकला हुआ है, ठीक है। यहां बैठा दीजिए, एन वन कितना था, एन वन था 1000 बटे 100 और ऊपर का गुना हो जाएगा 2, तो इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर रेशियो को प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से बना सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर रेशियो किस प्रकार से आया, किस प्रकार से V1 बटे V2, N1 बटे N2 और I2 बटे I1 आया, ये चीज हमने आपको बताया। इसी प्रकार से अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज लेकर के आएंगे और आप सभी की तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा हम आपको बता देंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ जो आदर्श ट्रांसफार्मर है उसमें पावर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पावर जितना प्राइमरी में है उतना ही सेकेंडरी में होता है। चलिए, धन्यवाद।